बीजेपी की उम्मीदों पर फिरा पानी। अमित शाह के पहुंचने से पहले हटाई कुर्सियां। लोगों के नहीं पहुंचने से खाली पड़ी रही कुर्सियां। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, अखिलेश मिश्रा जी हैं हमारे साथ, हैं राजनीतिक समीक्षक हैं, आपका स्वागत है। और हमारे साथ ठीक है, अच्छा अखिलेश जी, जिस तरीके से कार्यकर्ता महासम्मेलन था और वहां पर ये उम्मीद जताई जा रही थी कि लगभग 9000 लोग आएंगे और उस हिसाब से कुर्सियां मंगाई गई थी, कुर्सियां जब लगा कि नहीं भरेंगे तो अमित शाह के आने से पहले कुर्सियां, जो अतिरिक्त कुर्सियां थी उसको हटा दिया गया। अब ये मौका मिल गया पुष्पेंद्र जी को हमला करने का, तो आपको लगता है क्या वाकई अब जो है 15 साल के जो एंटी इनकम्बेंसी उसका असर दिख रहा है कि उनके लोग ही वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं? अंजनी, नहीं, ये आपका बड़ा साइंटिफिक क्वेश्चन है और एक एनालिस्ट होने के कारण मैं आपको इसको साइंटिफिक पैरामीटर पे लूंगा। देखिए होता क्या है, आप किसी बहुत बड़े एक्टर को देखिए, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना वगैरह कभी सुपरस्टार थे, बाद में उनका क्रेज खत्म होता चला गया। पॉलिटिक्स में भी यही, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक रूल होता है और एक थियरी होती है, नेचुरल वियर एंड टियर। होता क्या है कि 2014 में जो करिश्मा आपका डेवलप हुआ था, आप उसको मेंटेन कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, आप अपने ही भार के कारण टूटते चले जाते हो। जितने मुद्दे थे, जितने वादे थे, आपने अपने तर्कस के सारे तीर निकाल करके यूज कर लिए। पब्लिक की मेंटेलिटी क्या होती है, पब्लिक मोनोटोनस नहीं होना चाहता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है वोटर की, कि एक ही चीज वो बार बार नहीं देखना चाहती है। तो बीजेपी के साथ भी यही हुआ, वही मोदी जी हैं, वही अमित शाह हैं, वही वादे हैं, वही भाषण शैली है, सारी चीजें वही हैं। तो अब आदमी नया ढूंढना चाहता है, तो नए ढूंढने की जो चाहत होती है वो ऐसे दिख रही है कि कुर्सियां खाली हैं। यही अमित शाह, यही मोदी हुआ, मोदी जी की भी कुर्सियां अभी कुछ दिन पहले खाली दिखी थी। ये वही लोग हैं जो आज के 1.5 साल 2 साल पहले जब जाते थे तो लोग बिजली के खंभों पे पेड़ों पे चढ़ के देखते थे, और आज ऐसा क्या हो गया? तो ये प्योरली एक साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है और इसको हमको समझना चाहिए। अब ये नयापन कहां से लाएं, ये बीजेपी के लिए अब बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। और मैं एक चीज और बोलता हूं, बीजेपी की परफॉर्मेंस गुजरात इलेक्शन के बाद से लगातार गिर रही है। उसके रीजन दो हैं। देखिए कांग्रेस में स्पेशली राहुल गांधी जी एक बहुत बड़े चैलेंजर की तरह उभरे हैं और उनके पास, कांग्रेस के पास और कोई विकल्प भी नहीं है, और छोटी मोटी पार्टियां बीजेपी को फेस नहीं कर सकती है। तो जो कांग्रेस उनको चैलेंज दे रही है उससे नुकसान हो रहा है, और सेल्फ के भार, अपने भार के कारण जो कोई चीज टूटती है जैसे बीजेपी, वो अपने करिश्मा को मेंटेन नहीं कर पा रही है। तो बीजेपी के अंदर जो क्षति आ रही है, जो उनका ग्लैमर एज ए पार्टी खत्म हो रहा है, उसके पीछे दो रीजन है, जो अटैक हो रहे हैं, जो इनके अपने फेलोअर हैं, और जो पब्लिक का एक, पब्लिक हमेशा, वोटर एक हमेशा मोनोटोनस नेचर को, मोनोटोनस एक्टिविटी को चेंज करना चाहती है, कुछ नया करना चाहती है। ये तीन चीजें हैं जिसके कारण बीजेपी को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस अगर इन तीन स्ट्रेटेजिक पॉइंट को समझ ले तो बहुत अच्छा वो गेन कर सकती है। राहुल गांधी जी कोई पहली बार नहीं है, वो 2004 से राजनीति, जब से सक्रिय राजनीति में हैं तब से कई बार गुरुद्वारों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं और मंदिर में जाते हैं। चर्च का तो कभी नहीं दिखाया, ऐसी बात नहीं है, बहुत जगह आते जाते हैं। बाई चांस हो सकता है आपकी नजर में नहीं आया हो या मीडिया ने उसको नहीं हाईलाइट किया हो जी। और अखिलेश, आप ये समझना चाहेंगे कि ये जो कांग्रेस है, जो अभी आप सुन रहे हैं, राहुल गांधी को देख रहे हैं, ये बदलाव पिछले हम 1-1.5 साल से देख रहे हैं, नहीं तो उसके पहले तो खुल के राम मंदिर का भी नाम लेते थे, भगवान का भी नाम नहीं लेते थे, इन्होंने तो विरोध किया था राम सेतु वगैरह, इनके ऊपर आरोप लगता था कि मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, ये खुलकर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। पहली बार जब भोपाल आते हैं तो 21 ब्राह्मण उनका स्वागत करते हैं मंत्र के साथ, इसके बाद वो चित्रकूट जाते हैं, बोलते हैं हम राम वन पथ गमन बनाएंगे, इसमें अभी, बुरा अभी क्या है, इसमें नहीं, नहीं, बुरा कुछ नहीं है सर, मैं तो बड़ा खुश हूँ, गलत क्या है? अरे पुष्पेंद्र सर देर आए, दुरुस्त आए, सुबह का भूला शाम को, शाम को घर आ जाए तो भूल। सवाल बुरा ये है कि भाई इसके पहले आप लोग सेक्युलर बात करते थे, बीजेपी ये बात करते, बोलते थे ये तो सांप्रदायिक पार्टी है, अब आप भी वही करने लगे हो। और आप देखिए, हम हिंदुस्तान में, हम हिंदुस्तान में सभी को एक नजर से देखते हैं, हमने कभी हिंदुत्व और अलग बात नहीं की कोई। कांग्रेस का हिंदुत्व क्या, क्या 15 साल का जो वनवास था हिंदुत्व को सहारे पार कर पाएगी? नहीं नहीं, डेफिनेटली। देखिए अंजनी, मैं आपको बताऊं, एक बहुत पहले मैंने इस चीज को बोला था, लोग बोलते हैं मैं सेकुलर हूं, मैं धर्म को नहीं मानता, धर्म निजी मुद्दा है। मैं बोलता हूं पूरे, मैं दुनिया की बात करता हूं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये सब जो अगल बगल के देश हैं, यहां पे धर्म ही सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे राजनीति हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कुछ भी हो। उसका रीजन है, भारत का बंटवारा हुआ तो केवल धर्म के नाम पे हुआ था। 52 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनके पासपोर्ट पे लिखा जाता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ दिस दैट।
पूरी दुनिया में धर्म एक मानव और एक समाज का सबसे अहम हिस्सा है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टियां कैसे इनकैश करती हैं। जब आज के कुछ साल पहले तक जब कांग्रेस जीतती थी तो मुसलमानों का एक वोट बैंक था, तो वो मुसलमानों के साथ थे और उसका फायदा उन्होंने लिया। कहीं ना कहीं करके बीजेपी ने आके इस चीज को चेंज किया, उस चीज को नेपथ्य में डाल दिया। अब जाकर के इनको ये एहसास हुआ है कि नहीं भाई, ये चीज मुझे करनी चाहिए और जिससे जीत मिलेगी आदमी करेगा। तो ये एके एंटनी की रिपोर्ट का असर है कि 80 करोड़ या 100 करोड़ हिंदू अगर नाराज करोगे तो आप जीत नहीं पाओगे। नहीं नहीं, ये उसकी रिपोर्ट का असर नहीं है। ये सबसे बढ़िया जो असर हुआ है बीजेपी ने और उसके जितने भी, मतलब आप ये सोचिए उसके जितने भी संगठन है जो उसको सपोर्ट करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए बीजेपी ने किया क्या 2014 के पहले, जो पूरे माहौल को स्ट्रेटेजिक वे में चेंज किया, जो मतलब हिंदुओं की बात पहले पीछे होती थी। मैं किसी को भला या बुरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमेशा वो सेकेंडरी रहती थी। उन्होंने उसको हाईलाइट किया, उस चीज को उन्होंने उसका फायदा भी लिया, इलेक्शन में भी वो जीते, राम मंदिर वगैरह इन सब से फायदा ही लिया। किया तो वो तो आप भी ले रहे हो ना सर, किया कुछ नहीं, नहीं वो उस पे नहीं, अगर उन्होंने नहीं, कहा कि भाई हम राम मंदिर के नाम पे उन्होंने फायदा लिया, मैं केवल राम मंदिर बनाया क्यों सर, मैं पॉलिटिकल अगर अध्यादेश लाते आप समर्थन करेंगे लोकसभा में, सवाल ये नहीं। हम तो सुप्रीम कोर्ट के, हम तो कह रहे हैं आप भी तो राम भक्त बन गए, हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं जो कोर्ट निर्णय देगा। अब तो वो भी कह रहे हैं साहबानों की तरह आप अध्यादेश ले आओ ना, आप अपना मैंडेट यही, आप यही बोलो टीवी पे कि अगर हम सत्ता में आए तो हम अध्यादेश ला करके राम मंदिर बनवाएंगे। अरे भैया अखिलेश जी आप सुनिए, सत्ता में हम नहीं है, अध्यादेश लाने वाले सर मैं चुनाव के लिए बोल रहा हूं। 2019 में आप अपना घोषणा पत्र ये बनाइए कि अगर हम मेजोरिटी में आए तो अध्यादेश ले आके राम मंदिर बनवा देंगे, आप कर पाएंगे ये? भाई किस लिए, जब सुप्रीम कोर्ट उस मामले को देख रहा तो है। नहीं नहीं, तो इसका मतलब है आपकी भी राम भक्ति बस चुनावी भक्ति है? नहीं, आप इसका मतलब नर्मदा की पूजा, राहुल गांधी की भी चुनावी पूजा है, उच्चतम न्यायालय में हमारी आस्था है। अगर आपकी आस्था नहीं है उच्चतम न्यायालय में तो ये आपका मामला है, हमारा हमारा है। और हम साहबानों के केस में आपकी आस्था कहां गई थी? कांग्रेस की साहबानों के केस में आपकी आस्था राजीव गांधी के टाइम पे कहां गई थी? नहीं नहीं, बीजेपी की आस्था अभी कहां गई? अखिलेश जी, अखिलेश जी एक मिनट, अच्छा ये गोबर का कर लीजिए, अभी तो इस तरह की बात नहीं करती कांग्रेस। अभी आपके जितने एमपी के नेता है, आपके जो पीसीसी चीफ है कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक तो राम वन पथ गमन यात्रा निकाली है कि जिन जिन रूट से होकर राम जी गए थे चित्रकूट, उसके बाद रामेश्वरम तक, उस रूट को हम बनाएंगे। बीजेपी ने सिर्फ वादा किया, उन्होंने किया नहीं, मैं करूंगा। तो इसमें बुरा क्या है? गौशाला बनाने की बात वो कर रहे हैं, वही तो बात हो रही है, गौशाला और राम की याद आप कर रहे हैं ना। आपके राहुल गांधी ने आज के भाषण में नहीं किया, लेकिन बाकी भाषणों में और प्रतीक के तौर पर हर जगह वो पोस्टर में पहली बार हम देख रहे हैं। हमारे 14-15 साल हो गए पत्रकार देखे सर, हम पहली बार देखते हैं कि वो उन्होंने लिखा कि राम भक्त पंडित राहुल गांधी का स्वागत है, हमने ऐसा कभी पहले नहीं देखा था। देखिए पोस्टर्स जो है वो कार्यकर्ता की ओर से लगाए जाते हैं, कार्यकर्ताओं की अपनी भावनाएं होती हैं, वो किस तरह से किस चीज को अपने नेता के लिए कंट्रोल एंड कमांड नहीं है क्या? पार्टी हाई कमांड का कोई आदेश होता है सर? नहीं नहीं, पार्टी हाई कमांड जाकर के वहां एक एक बैनर को होर्डिंग को नहीं चेक करता है सर। आप अखिलेश जी इतना तो आप समझ सकते हैं, अब वहां पे किस कार्यकर्ता की क्या भावना है सर, जाहिर लेते हैं।